हेलो फ्रेंड्स, सीखो सिखाओ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से GTA San Andreas जो गेम है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, GTA San Andreas के मार्केट प्राइस है 220 के। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से गेम अपने फ़ोन में फ्री में इंस्टॉल करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कुछ फाइल्स की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी फाइल्स हैं वो। ये देखिए, पहली, अभी मैं आपको ये फाइल्स खोल के दिखा रहा हूँ। पहली आपको ये जो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की APK फाइल है आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, और दूसरी फाइल आपको जो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की जिप फाइल है उसकी रिक्वायरमेंट है। इन दोनों फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये दो फाइल तो आपको रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा आपको एक फाइल और रिक्वायरमेंट है जो आपको गूगल प्ले स्टोर में ईजिली मिल जाएगी। उस फाइल का नाम है RAR। जी हाँ दोस्तों, RAR सर्च करेंगे जो आपकी पहली फाइल आ रही है, जिसका पर्पल, पिंक और ब्लू का, ग्रीन कलर का जो आइकन है, आप उसे इंस्टॉल कर लें। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम जो है अपने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास को फ्री में अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए अपने ये जो APK फाइल है उसको इंस्टॉल करना है। मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं, ये इंस्टॉल हो रही है। देखिए दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुकी है फाइल प्रॉपरली। इसके बाद आप इस पर डन पे क्लिक कर दीजिए। डन पे क्लिक करने के बाद आपको ये आपकी जो जिप फाइल है आपको उसे एक्सट्रैक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, जिप फाइल पे क्लिक कीजिए, इसमें ओपन विद आ रहा है, इसमें आप सेलेक्ट RAR को सिलेक्ट करना है आपको। RAR में सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कौन सी फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है। इसमें आपको रॉक स्टार्ट करके वो फाइल पे आपको क्लिक करना है। डिलीट के बगल में जो एक्सट्रैक्ट करके वो आ रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ब्राउज करनी है फाइल। इसमें आपको अपने फ़ोन में एंड्रॉयड करके एक फ़ोल्डर ढूंढना है। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड करके एक फ़ोल्डर ढूंढना है, उसमें आपको ये फाइल आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। मैं आपको सामने अभी आपको वो एंड्रॉयड फ़ोल्डर ढूंढ के दिखा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कहाँ वो फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करनी है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे करनी है। ये देखिए दोस्तों, ये रहा एंड्रॉयड फ़ोल्डर। इसमें आपको OBB के अंदर जाना है। इस फोल्डर के अंदर आपको ओके बटन दबाना है। यहाँ पे आपको अपनी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट करनी है। अब ओके पे क्लिक कीजिए। अब देखिए, आपको ओके पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा ये SD card/Android/OBP। जी हाँ, अगर ये दिखा रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओके कर दीजिए। अभी आपकी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, इसे एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेट करते हैं थोड़ा, ये जब तक फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है मैं इसे पॉज कर लेता हूँ, ताकि ये जब एक्चुअली ये थोड़ा टाइम लेती है, मैंने पॉज कर दिया। अभी सीधे मैंने आपको 87 में दिखाई है, अभी ये 86 हो चुकी है। अब वेट कर लेते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों, ये 100% आपकी जो है जिप फाइल एक्सट्रैक्ट होने वाली है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, 100% आपकी फ़ाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये फ़ाइल सही में एक्सट्रैक्ट हुई है नहीं, उसको आपको कैसे चेक करना है। तो आपको जिस जो फ़ोल्डर हमने आपको बताया था कि एंड्रॉयड करके आपको फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आपको वही फ़ोल्डर खोलना है अपना एंड्रॉयड OBB के अंदर, चेक करना है। एक ग्रैंड थेफ्ट ऑटो करके फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका होगा, जिसके अंदर 2 फाइल होंगी, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रही है, ठीक है दोस्तों। अगर ये चीज़ आ रही है तो आप बिल्कुल सही हैं। उसके बाद अगला स्टेप यह है, आपको अपना मोबाइल डाटा या फिर आपका आपका वाईफाई कनेक्ट है, आप उसे ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद आपकी जो GTA San Andreas वाली एप्लीकेशन है उसे लॉन्च करना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने लॉन्च कर दी है एप्लीकेशन। अब ये देखिए, आपका गेम स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं इसको आपको गेम स्टार्ट करने के लिए, अभी मैं इस पर ऑफलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। आप इसमें साइन अप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ऑफलाइन पे क्लिक किया। अब देखो, ये गेम आपके पास मेन्यू आ गया है। अब ये गेम आपका स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं आपको खेल के भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको भरोसा हो जाए कि ये गेम चल चुका है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
देखिए दोस्तों, आपका गेम स्टार्ट हो चुका है। आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जो है वो कंट्रोलर है कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं अभी आगे बढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। आपके राइट हैंड साइड में आपके आपके फाइट करने के लिए बटन है, कार को एंटर एग्जिट करने के लिए आपके को बटन दे रखा है राइट हैंड साइड में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक आपको छोटी सी एक गेम खेल के दिखाता हूँ। मैंने ये पुलिस की गाड़ी पकड़ ली है, ठीक है। अभी आपसे कंट्रोलर पूछेगा, आपको जैसा चाहिए आप वैसा रख सकते हैं। देखिए अब मैं आपको ये गेम खेल के दिखा रहा हूँ। ये गेम बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, इसमें ना कोई अटक रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपकी हेल्प करती है आपको ये गेम इंस्टॉल करने में, अगर आप इस वीडियो से अपना गेम इजीली इंस्टॉल कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स अपने फ़ोन में GTA खेल सकें, और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हम आपकी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट में लिखिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम नई नई वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।